उस पाकिस्तान पर क्या लिखना, उसकी जितनी आबादी है उतने तो अपने 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। और चाइना से भी युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी, 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। वातावरण में अजीब सा तनाव, विकास का एजेंडा कहकर के आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। और सवाल खड़े करो तो जूता निकालते, कई तो भक्त इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। भक्त तो आप जानते हो ना, जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। ये नौजवान दोस्त बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अपने परिवार के और छोटे बच्चों को समझाओ कि ये सोशल मीडिया पे इस तरह का काम है, ये आपका समय श्रम और बुद्धि को नष्ट कर रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होने जाने वाला है। दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, आप रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते। मुद्दों की बात करो, रोजगार की बात करो, सद्भाव की बात करो, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात करो, ये उन मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह की शोशेबाजी की जाती है। अभी NRC का मसला है, मैं समझता हूँ कि अगर वो शरणार्थी हैं चाहे घुसपैठिए हैं, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव इस देश की हजारों साल की परंपराओं के विरुद्ध है, न सिर्फ लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है, हजारों साल की भारतीयता के विरुद्ध है। ये सारी चीजें जो आया है वो सबका है, और ये धर्म के झगड़े भी नहीं है, इतिहास के नाम पे लड़ाते हैं। महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति हाकिम का पठान था, क्या बात है, और अकबर का मुख्य सेनापति राजा मानसिंह थे। वाह, बहुत। वो सब साम्राज्यवाद के झगड़े थे, धर्म भी उसमें एक फैक्टर हो सकता है। तो मोहब्बत से काम लेना चाहिए, समय की अपनी सीमाएं हैं। और मैं एक रचना आपको नई सुनाता हूँ, जो एक दो जगह सुनाई है, अगर अच्छा सुन लिया तो फिर और कोशिश करेंगे दो चार मिनट सुनाने की। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा है चीजें भी बदलेंगी। जैसे आज मैं जयपुर से आया, 12 घंटे लगे, डॉक्टर कुमार विश्वास को फ्लाइट से आना पड़ा, उसमें भी 2.5-3 घंटे लगते हैं। ये चीजें हल हो जाएंगी जब बुलेट ट्रेन चल जाए। और हम तो सुनते हैं कि बुलेट ट्रेन का किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएंगे। और गुजराती दिमाग लगाया प्रधानमंत्री ने, जापान के प्रधानमंत्री से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे।